नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल जीके विद केजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे भारत से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछूंगा। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा। यदि अधिक समय चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? राजस्थान। पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश था, परंतु 1 नवंबर 2000 को यह राज्य दो राज्यों में विभाजित हो गया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और राजस्थान को भारत का सबसे बड़ा राज्य होने का दर्जा प्राप्त हो गया। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंडकी, कोसी, ब्रह्मपुत्र, गंगा। गंगा। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? चंबल, गोमती, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है और सबसे लंबी गंगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8 या 9? आठ। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है, और राज्य कौन कौन से हैं उनको याद करने का आसान सा तरीका है, मित्र पर गमछा झार। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? हिमालय, सह्याद्री, अरावली या सतपुड़ा? हिमालय। इसका निर्माण आज से 5 या 6 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, और इसको अपनी पूरी ऊंचाई प्राप्त करने में लगभग 60 से 70 लाख वर्ष लगे हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? चिनाब, रावी, सतलुज या व्यास? सतलुज। इसका उद्गम स्थल पाकिस्तान है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनचंगा, नंदा देवी, गॉडविन ऑस्टिन, नंगा पर्वत। गॉडविन ऑस्टिन। जम्मू और कश्मीर में स्थित माउंट केटू, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? असम, केरल, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई भी नहीं? इनमें से कोई भी नहीं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास स्थित है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44, NH1, NH7 या NH24? NH44। नेशनल हाईवे 44 या NH44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। यह उत्तर भारत में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण भारत में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? कोलकाता, मुंबई,
आगरा या जयपुर। कोलकाता 1911 में कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, से बदलकर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहां पर स्थित है? आगरा, दिल्ली, लाहौर या श्रीनगर? लाहौर। लाहौर में शाहदरा नगर के निकट स्थित जहांगीर मकबरा मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? बीकानेर नहर, तिलपाड़ा नहर, गोदावरी नहर या इंदिरा गांधी नहर? इंदिरा गांधी नहर। पहले यह नहर राजस्थान नहर के रूप में जानी जाती थी। इसे 2 नवंबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद इंदिरा गांधी नहर का नाम दिया गया। भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने के अलावा 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? 6, 7, 8 या 9? 7। भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से लगती है। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या नेपाल? बांग्लादेश। भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर है, चीन के साथ 3488 किलोमीटर और पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? वाइपर द्वीप, लक्षद्वीप, बैरन द्वीप या कार निकोबार? बैरन द्वीप अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? पारादीप, कलकत्ता, कांडला या हल्दिया? कांडला। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण सन 1950 में किया गया था। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंगा, दामोदर, पगला या कंसाई? दामोदर। पहले दामोदर नदी में एकाएक बाढ़ आ जाती थी, जिससे इसको बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता था। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, सिक्किम, मणिपुर या त्रिपुरा? गोवा। गोवा का कुल क्षेत्रफल केवल 3702 स्क्वायर किलोमीटर है। ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड किसके द्वारा बनवाई गई थी? अकबर, शेरशाह, शाहजहां या जहांगीर? शेरशाह सूरी।
दक्षिण एशिया के सबसे पुराने और लंबे मार्गों में से एक है ग्रैंड ट्रंक रोड। वैसे तो सभी भारतीय जानते हैं कि यह सड़क भारत की सबसे पुरानी सड़क है और इसके आधुनिक प्रारूप का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि यह सड़क शेरशाह सूरी के काल से भी पुरानी है। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपके ज्ञान में और वृद्धि हुई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि भविष्य में ऐसी महत्वपूर्ण और जानकारी से भरी और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल जीके विद केजी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।